जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज मैं बना रही हूँ करेले। कुछ करेले जो हमने अपने खेत के तोड़े थे और कुछ मैं दुकान से लेके आई थी, क्योंकि वो कम हो जाने थे, है ना। तो मैं इस तरह से भरुआ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि भरुआ से क्या होता है ना कि उनमें तेल ज़्यादा लगता है, तो फिर बड़ी मुश्किल से आजकल कोलेस्ट्रोल का आराम है लग जाता है, मुझे पता जब बढ़ता है। तो बस ये मक्खन, घी, दूध, ऐसी चीज़ें मैं परहेज ही कर रही हूँ तेल तूल से ज़्यादा। और हाँ, तड़के में थोड़ा ज़्यादा लगा दूंगी, पर ये सोख लेता है फिर भी उनको, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये कट कर दिए और उनको पहले धो दिया था, उसके बाद मैंने इनको काटा है, ठीक है। तो थोड़े बीज वगैरह हैं उनको मैं निकाल दे रही हूँ, जो ज़्यादा ज़्यादा सख्त है ना उनको निकाल दे रही हूँ मैं। और घास लेके आ गया, सुबह सुबह जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो घास लेके आ चुकी हूँ मैं। तो ये कल शाम की वीडियो है, कल शाम को मैंने शूट करी थी। उसके बाद मैंने बस करेले चीर के ना फिर मैं चली गई थी गायों का कि या दूध वगैरह दो, या फिर चली गई थी दूध देने। दूध दे के आई, फिर मैंने घास लाया आते आते फिर से तो यहाँ पे हमारे खेत। और मुझे किसी का कमेंट आया था कि अपने खेत दिखाना, तो शाम वाली वीडियो में कोशिश करूँगी अपने खेत दिखाने की, कितने खेत हैं हमारे पास, क्या हैं। और ये देखो, धूप थी अभी तो ये हो गए थे कोई 6:15, 6:30 हो गए थे यहाँ पे। और ये वाला घास हो रखा है खेतों में, जो मक्की थी खाद आई नहीं टाइमली, तो बस इस तरह की मक्की। और ये मतलब हुई नहीं, ऊपर तो हुई नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, ये समझ लो। और ये सूर्य भगवान जी छिपने वाले थे, अभी मैंने घास भी नहीं काटा था, तो पहले घास काट लेती हूँ, फिर मैं आपको ना घर जाके मिलूँगी जब करेले बनाएंगे तब। जय माता दी एक बार फिर से। और अभी ना कैसे हो आप लोग बताना जरूर। अभी जो शाम का टाइम हो चुका है, अभी गाय दो के और दूध देके घास लेके मैं अभी जस्ट आई करेले। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले जो है वो चीज लिए थे, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुख्तलिफ मैंने कहाँ रख दी, दिखाती हूँ आपको कि सिंपल से तरीके से बनाऊंगी। बस करेले में ना थोड़ा सा तेल ज्यादा डालना पड़ता है, ये और नहीं कुछ नहीं। पहले ना चाय पीने को बहुत मन कर रहा है, हाँ। तो मैंने अभी चाय पी लेते, चाय पी ले, दिन को चाय पी नहीं, शेक बनाया था केले का, जैसे कि हम गए थे वहां पे तो चाय भी रखी मैंने वहां पे। यहाँ पे मैंने करेले के लिए तुड़का भी रखा, क्योंकि करेले ज्यादा है तो तेल थोड़ा सा ना ज्यादा पड़ेगा। दुपट्टा दुपट्टा भी मैंने फेंक दिया है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है आजकल, है ना। तो आज करेले और फुलके बनेंगे, ठीक है। पहले पीते चाय और फिर जो है क्या बोलते ना, फिर गाड़ी चलेगी, पेट्रोल मिल जाएगा, तो थोड़ा सा चुस्ती आ जाती है चाय पी के, थकान थोड़ी सी मिट जाती है ना। तो यहाँ पे हमारी चाय भी हो रही है, कट रही है, मैंने सीम आंच कर दी। और मैं यहाँ पे ना करेले में तड़का भी लगा देती हूँ फटाफट से। ये देखो, अगर जितनी भी ये चीज उसमें डालो, इतनी छोटी मिर्ची है ना, ये टूटती भी नहीं, और अब फूलेंगी देखो, दूर ही रहना पड़ता है मिर्चों से। छोटी सी मिर्च बड़ी तेज बाल लंबी, मुझे छोटी ना समझ, गाना हुआ करता था पहले, छोटी सी मिर्च बड़ी तेज बाल लंबी, तेज बाल मुझे छोटी ना समझना। ये देखो करेले, किस किस को अच्छे लगते हैं और किस किस को नहीं लगते हैं मुझे बताना जरूर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय भी हमारी हो गई है। करेले पकते रहेंगे और हम बाहर बैठ के जो चाय पीते रहेंगे। मलाई थी उसके ऊपर ना, चलिए बनके हमारी चाय। बस सिंपल से बनाएंगे। नमक और हल्दी मैंने इसमें डाल दिया, और क्या डालना है इसमें, और कुछ नहीं डालना। करेले चलिए वो ये प्याज ना बहुत टाइम लेता है, बेकार जैसा प्याज है। भरुआ तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, पर उनमें ना तेल बहुत लगता है। मेरे को नहीं करने ज्यादा पहले, बस मैंने ना इनको सिम गैस पे पकाना है बस। और ना हम जो है ना इनको साबुत ही धोते हैं, कई लोग काट के धोते हैं, तो इनमें ना अगर पानी मिल जाए। और पता है एक और तरीका है, अगर ये कड़ुए ना हो गई, ऐसी बिल्कुल भी नहीं खाते जो कड़ुए ना, वो इनको रख दो और ऊपर से नमक डाल के ना इनको तब रखना पड़ता है 2-3 घंटों के लिए, ज्यादा भी रखना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, सारा नमक जो है एक ऐसे टेढ़े करके ना इस तरह से नमक डाल के तड़के से पहले चीर के और उनमें नमक मिला के रख दे अगर, तो ये कड़वे नहीं होते ऐसा बोलते हैं। पर मेरे को तो कड़वाहट ही अच्छी लगती है, सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को। जितने ज्यादा ये कड़वे होंगे ना मेरे को उतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए मैंने वो वाला तरीका नहीं अपनाया। कभी भरुआ करेले बनाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। चाय पी ली, फिर बर्तन धोए, और अभी ना हमें दाड़ला से दुकान से लेके आए थे, मक्की अभी हमारे हुई नहीं है, तो दो लेके आए थे शानू के लिए दोनों। एक मतलब शानू ने नहीं खाई थी, हमने तो खा ली थी। ये देखो, और ये कभी ऐसे ही है इसमें छिलके समेत, और ये मैं इनको भून रही हूँ यहाँ पे, और ये गिर गए दिखाने के चक्कर में। देखो ये छिल रही हूँ, दाने निकाल देती हूँ इसके, क्योंकि इसके ना सख्त दाने हैं। तो चूल्हे में भूनते हुए इस तरह से मुरमुरे भूनेंगे हम, बोलते हैं इनको मुरमुरे। आज मैं बहुत ज्यादा थका हूँ, जब ये बहुत अच्छे होंगे भून के। इस तरह से जब थोड़ी मक्की पक्की जैसी हो जाती है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ हो गई है मक्की, जब ऐसी हो जाती है ना, तो फिर इस तरह से दाने छील के जो भूनते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये देखो जी, ये बने करेले और हम खा रहे हैं बाहर बैठ के खाना। ये मक्खन ताजा ताजा, और करेले पता नहीं क्या बने ना मुख्य, और ये बने करेले, और वहाँ पे ना कहीं भागवत लगा है, इतना बढ़िया गाना लगा हुआ है। कितना होना क्यों, रोज बोलते हैं बोले हमने अपना घी बनाना, मक्खन बिल्कुल नहीं देते टिकने, तब कहाँ से बनना घी। ये ना अजीब जी चमकू, ये चीज बड़ी खतरनाक चीज है। तारों की छांव में खाना खाने का अपना ही एक अलग ही मजा है। नमक कम नहीं है,
बहुत टेस्टी बने हैं। ऐसा नहीं बोला टांगे क्यों है करी इनके बैठे जाता टांग नहीं मुड़ती तो बैठे इस तरह से तो ये देखो यहाँ पे मैं सुबह का टाइम है, मैं दूध देने जा रही थी, घास भी लेके आती हूँ मैं, तब गाड़ी लेके चली जाती हूँ। अभी ये सुबह सुबह का टाइम और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घास के पास। 7 बजने को है, गले की दवाई लेनी पड़ेगी मेरे को, बिना मतलब से बैठ रहा है। अचार नहीं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को खट्टाई बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। ऐसा ना मुझसे बात भी नहीं हो कल को, आने वाले टाइम को मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी मैं दूध देने गई थी गाड़ी वाले को, तो ये देखो यहाँ पे सुबह सुबह पड़ी है तेल, और दिखाऊं मैं आपको कितने पूरे हो गए मेरे पास। अच्छा मैं लास्ट में ना आपको खेत दिखा दूंगी कि मेरे कितने खेत हैं यहाँ पे हमारे, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। देखो ये पूरे हो गए हैं कुछ यहाँ पे, कुछ ये तो ये काट रही हूँ मैं यहाँ पे, इतने देखो लंबी लंबी चरी है हमारे। तो बस घास लेके आई तो सबसे पहले चूल्हा गंदा हो रखा था, और आज बुधवार है तो मैंने सोचा कि चलो चूल्हा लीप देते हैं, कल फिर वीरवार आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना वो लीप रही हूँ अभी, जो वो था पीछे आग दबाने के लिए जिसको रखते हैं ना हम वो, और ये देखो इस बाल्टी से क्या निकला, इसमें ना पेंट किया होगा कभी, तो वो पेंट देखो किस तरह से जम गया था। और इसमें मैंने ताज़ी मिट्टी डाली थी इस बार, और अभी मैं सारी इसकी दीवारें वगैरह सारी लीप लूँगी, वार पार से भी गंदी हो रखी है नहीं। और बस फिर उसके बाद जो हम चूल्हा जब एक चूल्हा जब लिपते हैं ना हम, चूल्हा लिपने के बाद इतनी बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, बहुत अच्छा लगता है जो चूल्हा लिप जाता है। बस अब गोबर और मिट्टी से नीचे वाला पोर्शन जो चूल्हे के साथ का होता है थोड़ा सा कच्चा, वो भी मैं लिप लेती हूँ। ये देखो और हांडी मैंने उठा दी थी, उसको धो दिया था क्योंकि वो ऐसे ही बहुत गंदी जैसी लग रही थी, जबकि मैंने उसको ये देखो इसको धो के फिर इसको आगे रख दिया चूल्हे के ऊपर। और उसके बाद जो यहाँ पे इसको जोड़ा था मैंने, ये टूट गया था, इसमें लगा रही थी मिट्टी शुरू में जब आपने देखा था ना, तो इसमें मिट्टी लगा रही थी मैं। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड भी करेंगे और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो रखी थी मिट्टी पानी, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है इसके बाद भी। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे का निपटाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया होगा प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर देना। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। भगवान आपको दोगुना दे सब कुछ। तो जय माता दी, राम राम।